कामयाब हो गए चाहे जितनी मर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम हो. सो आई एम फोकसिंग राइट नाउ ऑन ओनली ऑन द गर्ल्स एबिलिटी, क्योंकि मैंने स्टेज पे भी बोला है कि यही है जो हमारी इज्जत बचाएंगी. वी आर फुली प्रिपेयर, सो देयर इज नो डाउट. बट हाँ, लड़कियों का थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोपी बहू हैं हमारी टीम में, नलिनी है, ऑल आर वेरी बिजी. और मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनका कि इन बिजी शेड्यूल्स के बावजूद वो प्रैक्टिस के लिए आती हैं 10-10 बजे पैकअप करके, एक एक दो दो घंटे रात को प्रैक्टिस करती हैं. सो आई होप कि उनकी मेहनत को रंग लगे. बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद हम हमारा मैच पहले सबसे पहला मैच हमारा था जो कि पोस्टपोन हुआ, तो हम तैयारी उस हिसाब से करके बैठे थे, तो वो एक्साइटमेंट डबल हो गई है इसलिए. सबसे ज़्यादा टफ दिल्ली है, चेन्नई है, और ये दूसरे ग्रुप में है. सो इसलिए अपने ग्रुप में फिलहाल आई एम फाइंडिंग चंडीगढ़ इज ए टफ कॉम्पिटिशन. जर्सी के बारे में क्या बताऊँ, जर्सी हमारी पिंक कलर की है. जर्सी हमारी, मेरा ख्याल है कि जब हम पहन के निकले थे, जब हमने डिसाइड की थी और जिन लोगों को दिखाई अपने सर्कल में और ख़ासकर जैकेट के साथ, दे लव्ड दिस. और उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी उन्होंने दूसरी टीम्स के देखे हैं जर्सी वगैरह, दिस इज़ बेटर वन फ्रॉम एवरीवन. सो आई होप के जर्सी की तरह हमारा काम भी अच्छा निकले. और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंक सिटी के शेयर. जी, वो तो मैं अभी एक और देने वाला था, इधर सामने और आगे लिखना था पीछे हट. ओपोजिशन को ये कहना चाहूँगा, जल से ज़्यादा जयपुर जोशीले में वापस आने से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये एक्साइटमेंट है कि मैं वापस जयपुर में आ गया. तो जयपुर इज अ पिंक सिटी, तो हमारा कलर पिंक ही होना चाहिए. ये बहुत ही अच्छा कलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है इस टी शर्ट में बाकी सारी लीग्स में, तो मुझे पता है ये कलर कहाँ से आया है, मैं बताऊँगा नहीं. पर यार, मेरे ख्याल से पूरे BCL में चार टीम सबसे भारी हैं, और पर इस बॉल का कुछ कहना नहीं है. बॉल कभी भी कुछ भी कर सकती है, कहीं भी टर्न हो जाती है, आती ऐसी है जाती वहाँ है, तो सीधी तो आती नहीं है, तो कब कौन कैसे आउट हो जाए, कब कौन सी टीम हार जाए, भरोसा नहीं है. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस, फॉर द फैंस. तैयारी तो बहुत जोश में चल रही है, जैसा कि हमारा नाम है. जोश के आगे जो है वो जयपुर राज जोशीलों का दिल है, जो कि बहुत साफ है और बहुत अच्छा है. दैट्स व्हाई आई लव जयपुर राज जोशीले टीम. हाँ, मैं किसी टीम का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने देखा है, मतलब मैं भले ना खेला हूँ उस टीम से, पर मैंने देखा है कि कहीं ना ग्रुपिज्म होता है. जैसे कि अगर कुछ टीम में 5 प्लेयर्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तो बाकी के जो हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. हर टीम में वही पहले 5 प्लेयर्स डाले जाते हैं, उसके बाद बाकी सब. ठीक है, आई नो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट है, बट क्रिकेट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी अहमियत है कुछ. तो या तो ऐसा होता है कि अगर कुछ 5 चेहरे जो ज़्यादा नोन हैं उन लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो लोग नोन नहीं है उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, जो कि जयपुर राज जोशीले में होता नहीं. यार बाकी तो अभी पूरी चीज़ चालू होनी बाकी है, अभी तो क्या शेयर करें, अभी तो 2 महीने का सफ़र है, देखिए आगे आगे होता है क्या. यार अभी फ़िलहाल तो मैं, हाँ अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के पीछे ही लगा हुआ हूँ. मेरे ख्याल से अब वो फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया, तो प्रोबेबली बाय इन 10 डेज टाइम मैं रिलीज़ कर दूंगा. तो मेरा पूरा ध्यान वहाँ है, बाकी मीटिंग्स तो चलती रहती हैं, हमारे इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं.